अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाहिद उत्तर प्रदेश से, जिला बलरामपुर से। मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल जो है ये पैगाम निकाह के ताल्लुक से है, यानी शादी से पहले, शादी होने से पहले का जो मामला होता है पैगाम निकाह, या इस बीच शादी से पहले का जो भी प्रोसेस चलता है, ये सब देखना दिखाना वगैरह वगैरह, इसके ताल्लुक से। तो अब चूँकि इस्लाम में ये है कि शादी जो होगी लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी के बाद होगी, दोनों की पसंद का ख्याल किया गया है, तो अब चूँकि कुछ लोग जो है फ़ोटोज़ के लिए एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ में जो है हकीकत को नहीं दिखाया जा सकता, ये तरीका समझ से बाहर है। लिहाजा बेहतर यही मालूम होता है कि बच्चे और बच्ची को, दोनों को जो है आमने सामने बिठा दिया जाए कुछ वक्त के लिए, और मेहरमान की मौजूदगी में जो है बिठा दिया जाए, यानी लड़के के पीछे जो है उसके कुछ घरवाले हो जाएं, लड़के के पीछे इसके कुछ घरवाले हो जाएं, और दोनों एक दूसरे को देख लें कुछ वक्त के लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ से है मेरा शेख आपसे, सवाल ये है कि जो है लड़का लड़के के जो है पीछे उसकी फैमिली है, लड़की के पीछे इसकी फैमिली है, लेकिन अब जो है लड़की को देखने आए हैं, और लड़के के पीछे जो है उसकी जो फैमिली है, मान लीजिए उसका बाप है, तो उसके बाप के लिए तो अब ये जायज़ नहीं है ना कि वो अपनी होने वाली बहू को आज देखे, जबकि आज वो उसकी बहू नहीं है। लिहाजा ये देखने दिखाने के वक्त में जो है कौन कौन जो है दोनों बच्चे और बच्ची के पेरेंट्स में कौन कौन मौजूद रह सकते हैं, ये सवाल है शेख पहला। और दूसरा सवाल ये कि जैसे लड़का लड़की को देख रहा है, तो अब जो है कुछ लोग कहते हैं कि लड़की के बाल देखना भी जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं गर्दन देखना भी जायज़ है, तो इसका क्या मतलब है शेख? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि जो है सर पे दुपट्टा न रखे लड़की, जबकि ये चीज़ सुनने में तो अच्छी नहीं लगती, या फिर इसका ये मतलब है कि चेहरे के अलावा उसके बाल पर यानी उसके सर पर भी निगाह डाल सकता है, बस ये गर्दन पर निगाह डाल सकता है, बस ये क्या है पूरा मामला, या इस ताल्लुक से कुरान हदीस में जो भी बातें हैं मुकम्मल आप तफसील से बताइए शेख, जो है बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब का सवाल है और काफ़ी लंबा सवाल है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूछी है, और हमारे यहाँ देखिए जो आम सूरत हाल है शादी से पहले, लड़के वाले जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो जो सूरत हाल सामने आती है उसका नक्शा भाई साहब ने खींचा है, और फिर उसी को सवाल के अंदाज में पेश किया है। मसलन इनका एक पहला सवाल ये है कि अगर लड़की से रिश्ता करना है, उसको देखने जाना है, तो कौन कौन लोग उसको देख सकते हैं, पहला सवाल ये है, यानी जिस आदमी की शादी हो रही है वो और उसके कौन कौन से रिश्तेदार देख सकते हैं, ये पहला सवाल है। इसका जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ लड़का देख सकता है, बाकी लड़के के घराने की खवातीन देख सकती हैं, औरतें देख सकती हैं, कोई मसला नहीं, लड़के के अलावा कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो लड़के के सारे घर वालों के लिए अभी वो अजनबिया है, इसलिए कोई भी नहीं देख सकता है, ये एक मसला हो गया। बाकी अगर लड़के के घर की जो खवातीन है, लड़के की माँ है, बहन वगैरह, वो जाके देखें तो कोई मसला नहीं, ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल इनका ये है कि इस मौके से यानी जो मुनकरात होते हैं उसको भी उन्होंने पेश किया है कि उसके पेरेंट्स देखते हैं तो ये क्या है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी शादी करनी है लड़के को तो लड़के के भाई या लड़के का वालिद, ये लोग अगर जाके देखते हैं तो ये गलत है। भाई साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग फ़ोटो वगैरह देते हैं, तो मशवरा भी दिया इन्होंने कि फ़ोटो से बेहतर है कि आमने सामने बैठ के देख लें, तो ये बात इंतहाई माकूल है, सही कहा है भाई साहब ने कि हकीकत में फ़ोटो वगैरह नहीं देखना चाहिए, फ़ोटो वगैरह सेव नहीं रहता है, बल्कि लोग इधर उधर वायरल कर देते हैं। और एक बात वो जो भाई साहब ने कहा कि उसमें हकीकत की नुमाइंदगी भी पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, आजकल फ़ोटो को एडिट किया जाता है, तो उसमें एक तो पूरी तरह से हकीकत सामने नहीं आती, और दूसरी बात यह है कि फ़ोटो जो है किसी के हवाले आपने कर दिया तो फिर उसका क्या हश्र होगा हम और आप नहीं जानते हैं, और ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि किसी के पास लड़की की फ़ोटो भेज दिए गए, बाद में रिश्ता नहीं हुआ और बाद में वो इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही अहम मसला है। जो वालदैन लड़कियों की फ़ोटो देते हैं उनको नहीं देना चाहिए, बल्कि जैसा कि भाई साहब ने कहा ना कि बेहतरीन तरीका ये है कि जिस बंदे को शादी करना है उसको बुलाएँ घर पर और कह सकते हैं कि भैया आप देख लो, लेकिन फ़ोटो वगैरह नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट लड़के को दिखा देना चाहिए, लड़का देख ले, उसको पसंद आए शादी करे, नहीं पसंद आए तो वो माजरत कर ले, लेकिन फ़ोटो वगैरह नहीं भेजना चाहिए। भाई साहब ने ये भी कहा है कि जब लड़का देखेगा तो उस वक्त कौन कौन मौजूद रह सकता है, देखिए लड़का रहे लड़के के घर की औरतें रह सकती हैं, और लड़की की तरफ से लड़की रहे और उसका कोई भी महरम रिश्तेदार, उसके अब्बा हैं, उसके भाई हैं, कोई भी रहे,
कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ने एक और सवाल किया है कि लड़का अगर देखेगा तो लड़की के किस किस हिस्से को देख सकता है, चेहरे को देखेगा या बाल को भी देख सकता है, क्या देख सकता है? तो देखिए, इस बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है। अक्सर अहले इल्म का कहना यह है कि चेहरे को और हथेली को देख सकता है। चेहरे को देखेगा तो उसका नाक नक्शा समझ में आ जाएगा, हथेली को देखेगा तो उससे जिस्मानी बनावट समझ में आ जाएगी, यानी ये दो चीज़ें देखेगा तो पूरी तौर से वो समझ सकता है। बाज़ अहले इल्म ने इसमें और भी इजाफा किया, जैसे हनाबला का कहना है कि बाल भी देख सकता है, कोई हरज की बात नहीं। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह का भी फतवा है कि बाल देख सकता है, हम्बली कुतुब में है कि बाल देख सकता है। अहनाफ की फिक्र देखें तो उसमें है कि कदम को, पाँव को भी देख सकता है, गर्दन को भी देख सकता है। तो इस तरह के अकवाल हैं, लेकिन अक्सर अहले इल्म की राय यह है कि चेहरा और हथेली देखे, इसी पे इक्तफा करे। बाज़ अहले इल्म ने गुंजाइश भी दी है कि गर्दन भी देख सकता है, बाल भी देख सकता है, पाँव भी देख सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर होती रहती हैं, यानी घरों में ये चीज़ें ज़ाहिर होती रहती हैं, इसलिए इन चीज़ों को देख सकता है। लेकिन इसमें एक अहम मसला ये है कि अगर लड़की वाले या लड़की का वली, लड़की का बाप या लड़की का ये मौक़िफ़ हो जो जमहूर का मौक़िफ़ है कि सिर्फ चेहरा देख सकता है, हथेली देख सकता है, वो इस बात के कायल ना हो कि बाल भी देख सकता है जैसे फ़िक़्हे हनफ़ी का कहना है, या वो इस बात के कायल ना हो जो अहनाफ़ कहते हैं कि गर्दन को भी देख सकता है, तो ऐसी सूरत में कोई भी लड़का लड़की को फोर्स नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता, सिर्फ चेहरा देखेगा, हथेली देखेगा। अगर लड़की और उसके अकरबा इस बात के कायल नहीं है कि चेहरे के अलावा गर्दन देख सके या हाथ देख सके, तो फिर लड़के को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़बरदस्ती देखे या उसका बिला वजह मुतालबा करे। तो ख़ुलासा ये कि अगर हम तमाम अकवाल को इकट्ठा करें जो किसी ने कहा हो, तो तमाम अकवाल अगर इकट्ठा करते हैं तो चेहरे की बात है, हाथ की बात है, गर्दन की बात है, बाल की बात है, कदम की बात है, इतनी जगहों को देख सकता है। लेकिन अक्सर अहले इल्म का कहना है कि चेहरा और कदम देखे, और यही बेहतर है कि इसी पर इक्तफा करना चाहिए, उसके आगे का मुतालबा नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि जो लड़कियां साथ में जाएं, औरतें साथ में जाएं, वो ये सारी चीज़ें देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लड़के को सिर्फ चेहरा देखना चाहिए, चेहरा और हाथ देख ले तो इससे पूरी तरह से उसको इत्मीनान हो जाएगा। तो देखने में लड़के को सिर्फ इसी पर इक्तफा करना चाहिए, यानी चेहरा देख ले, हथेली देख ले, इतना इंशाल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। बाकी भाई साहब ने जो जिक्र किया कि हमारे यहाँ रस्म में बहुत ज़्यादा किताब व सुन्नत की मुखालफत होती है और बहुत बड़ी भीड़ आके देखती है और इस तरह से तस्वीर वगैरह का तबादला होता है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।